साथियों, ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। भाई और बहनों, दीदी जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दुश्मनी की भाषा बोल रही है, वो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है। दीदी, आप ये भूल रही है कि आपने सीएम के नाते संविधान की शपथ ली हुई है। भारत का संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे राज्यों के लोगों का इस तरह अपमान करें। मैं फिर कहूंगा, आपको मेरी जितनी बेइज्जती करनी हो उतनी बेइज्जती करिए। स्क्रू ढीला हो गया जैसी बातें, एक से एक भद्दी गालियां आपने मुझे दी है, लेकिन दीदी मेरा आग्रह आपसे यही है कि देश का संविधान का अपमान मत करिए। बाबा साहब अंबेडकर की भावना का अपमान मत करिए। वाकई साथियों, मैं हैरान हूं कि दीदी को क्या हो गया है। कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश गया था, वहां मैंने 51 शक्तिपीठों में से एक जसोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। मैंने ओराकांदी में हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा, ये देखकर भी दीदी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आप बताइए साथियों, मां काली के मंदिर में जाना गलत है क्या? गलत है क्या? ये मेरी सारी माताएं बहनें कह रही है, नहीं गलत नहीं है। हरिचंद ठाकुर जी को प्रणाम करना गलत है क्या? दीदी, ओ दीदी, दीदी आप हमको जानती नहीं हो। दीदी, हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं है, हम अपनी आस्था अपनी परंपरा पर हमेशा गर्व करने वाले लोग हैं।